हाय नमस्ते एंड राम राम जी, क्या हाल है थारे? मेरे तो बढ़िया को नहीं, क्योंकि मेरी नाक कह रही है जड्डा है तो नाक तो आनी चाहिए ना। एक दो बार तो मेरी नाक आ गई यहाँ आके, फिर मैंने ठंडा पानी पी लिया था और बाहर की चीज खाई है बहुत दिन बाद, तो कहीं तो निकलेगा ना। तो गाइज अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, तुमने पीछे की हालत देख के पता चल गया होगा मैं अपने घर को नहीं, मैं आई हूँ क्वार्टर में। तो हमने नहीं क्वार्टर चेंज करना है, मतलब हमने दूसरा क्वार्टर मिल गया, तो ये सामान मैंने ठा के जब वहां पटकना है तो उसके लिए मैंने पहले पैकिंग करनी पड़ेगी। मेरे पति देव मेरे स्वामी मैंने धोखा दे गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब मैं आ जाऊंगा ना तेनों साथ में पैकिंग कर लेंगे मिल गए। फिर जब मैंने बोले मैं तो लेट हो जाऊंगा, तूने पैकिंग करके धर ले फिर एकदम तक शिफ्ट कर देंगे, पर पहले वो क्वार्टर हमने साफ करना है। अब मेरे होगी दिक्कत, मेरे होगी जुकाम, तो मैं कुछ करूँ समझ को नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी हुई है। वैसे मैंने दवाई ले ली है शायद ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे जिब जुकाम होए करे ना, तो मेरा कुछ करने को नहीं जी करे करे, सब कहीं नहीं करता, लेटन जी करे बस सूड़ सूड़ रहे हुए ना। तो सर चलो गाइज, मैं ना मिनी ब्लॉग भी बना रही थी, फिर मैंने सोचा यार इतने सारे कमेंट आओगे कि है कि है, तो मैंने सोचा चल फुल ब्लॉग बना दो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे भी आप फुल ब्लॉग बनाया करो फुल ब्लॉग बनाया करो। पहले बनाया करूँ थी, पर मैंने ना सोचा कि मिनी ब्लॉग ज़्यादा पसंद कर रहे लोग, तो मिनी ब्लॉग बना ले करूँ, पर इतने सारे कमेंट आते फिर के है कहाँ है कैसे है, तो मैंने सोचा चलो फुल ब्लॉग मैंने तुमने सारी चीज़ बता दूंगी। तो पैकिंग कर लो, तुम तो मेरी हेल्प करवा नहीं सकते, मैं तुमने दिखाती रहूँगी और शिफ्ट करेंगे पहले वहां की सफाई करके आऊंगे, पर मैं सामान जब तक ना बैंद बूंद के दर्द दू ताकि फिर ठाणा पड़े हमने। अरे हमने नु बताइए मेरी हरियाणवी लैंग्वेज कैसी है? गाइज यहाँ ना ये है मेरे पे चूड़ियों का कलेक्शन, जो मैं कदी नहीं पहनती, क्योंकि मैंने चूड़ा पसंद है, कहीं भी आऊं जाऊं ना तो चूड़ा ही पहन करूं मैं, तो ये मुझे घर लेकर जाना है क्योंकि यहाँ से कैसे ही रखा हुआ है ना। मैं इस पे वो सामान रखने वाली हूँ जो मैंने घर लेकर जाना है, दुल्हे उन लेके सामान भी मैं घर ही लेकर जाऊंगी, तो वो सामान तो मैं यहाँ रख रही हूँ। पे वो रखने वाली हूँ जो उनसे मैंने क्वार्टर में शिफ्ट करना है, ये गद्दे वद्दे भी जाएंगे, वो तो हमारा यूज वाला सामान है जो हमने रात चाहिए था सोने साने का, क्योंकि यहाँ तो सारे में बदबू हो रही है ना, तो वो मैंने अलग ही काट दिया। और वो बैग में हमारे कपड़े वपड़े थे वो लेके आए थे नीचे तक, तो वो तो नीचे तार दूंगी और सारा सामान यहाँ भर दूंगी जो उन सभी हमने लेके जाना, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सारे जूते चप्पल ला इसमें से एक थैले में पैक कर दिया, अब इसको भी हटाना पड़ेगा मेरे को, पता नहीं मेरे से हट पाएगा नहीं। अंगूर रखे हुए थे और तो कुछ रखा नहीं था, मैंने सोचा नहीं दुल के खा लो, इतना भूख लग रही है बहुत तेज काम करते करते, यार आधे तो ज़्यादा पैकिंग मैंने कर दी। और देखो 3 महीने तो ना इसमें मनी प्लांट में पानी नहीं था, फिर भी वो इतना बड़ा हो गया, सूखा नहीं है ज़्यादा आके फूट रहा है। हाँ तीनों तो ये सूखता जा रहा था, देखो ये पत्ते हैं इसके सूखते जा रहे थे, मैं इसका पानी बदले करूँ थी ज़्यादा ज़्यादा, और जब मैं थी नहीं ना अब जब बढ़ गया देख लो। मैंने आधे से ज़्यादा सामान देखो पैक भी कर दिया, तो दिख रहा था ये आधे से ज़्यादा सामान पैक भी कर दिया मैंने। अभी मैंने ना भूख लगी बहुत तेज, अभी आए नहीं है 2:30 बज गए, पता नहीं कद से आएंगे, बाकी का जो सामान है ना वो आ जाएंगे फिर दिखेंगे तभी मैं पैक कर पाऊंगी। मेरी शक्ल पर दिख रहे होंगे 12 बज रहे हैं, नहीं 2:30 बज रहे हैं। तो मैं बैठ के ना थोड़ी देर फोन चला लूँ फिर भी आ जाऊंगी, जब जाके कुछ काम करूँगी। तो गाइज अभी है दूसरा दिन हमारा, अब जाने शिफ्टिंग यार मैं कैसी सी लग रही हूँ इग्नोर बस मेरी आवाज सुनो। तो पीछे सामान भर लिया है और वो जाड़ा घना ही जाड़ा का सुता जाड़ा और क्या बोलूं तोड़ का जाड़ा हो रहा है, तो सामान भर लिया। देख रहे होंगे मैं तिरछी सी बैठी हूँ, आधा सामान यहाँ धरा है मंदिर का आगे धर लिया मैंने, क्योंकि पहले झाड़ू लगा के एक बार ना धूप दे दूंगी घर में, फिर सामान रखेंगे। आधा सामान ले आए आधा भी नहीं आए, बोले तो हिला ही नहीं है, लग रहा है सामान आया ही नहीं है कुछ, और भर रही है गाड़ी सामान उतार के फिर दोबारा से आऊंगे, दो चक्कर में तो हो ही जाएगा कुछ शायद, और फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए है। एक चक्कर में मारूंगी गाड़ी, हाँ मन्ने दे वही गाड़ी एक चक्कर कह रहे तो मारे गाड़ी का। तो चलो दिखाती हूँ आगे आपको, बने रहो मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो गाइज अभी मैंने उठा लिया झाड़ू, पहले झाड़ू मार दू थोड़ी थोड़ी सी सफाई करके फिर सामान रखेंगे। गाइज हमने अपना ना जो क्वार्टर है ना सारा का सारा दूसरे क्वार्टर में सामान शिफ्ट कर दिया, जो चाहे कुछ भी नहीं है नुई लगा के, मतलब नुई रख के आगे, क्योंकि हम फिर छुट्टी पे जा रहे हैं और बहुत सारे मिनी ब्लॉग पे कमेंट कर रहे हैं कि मम्मी के बिना ना ब्लॉग बढ़िया नहीं लग रहा है, तो दोबारा तो मम्मी आपको कुछ टाइम के लिए फिर तो मेरे ब्लॉग में दिखे करेगी। तब जब रेडी सेडी होके हम भाई साहब घर बसाना बहुत मुश्किल है, मतलब दूसरे घर में सामान धर के और तोबा तोबा, अब मैं आऊंगी ना फिर मेरा यही रहेगा, मेरी जिंदगी ना ऐसी चल जाएगी बैग ढोने में, बैग
पैक करने में, बैग ले जाने में, बस ऐसे नहीं चल जाएगी मुझे लगे मेरी जिंदगी। तो अब पहले हम जा रहे हैं मेरी मौसी के, फिर उसके बाद देखेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, देखेंगे फिर की करेंगे, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। सो बड़े रहो तुम, देखते रहो नहीं बोरिंग बोरिंग सब लोग मेरा, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं बनाऊं के दिखाऊं के दिखाऊं, फिर भूल जाऊं एकदम, पतन दिमाग में की हो रहा है मेरे, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था, हर शिफ्ट करने में हालत खराब होगी हमारी। अब फिर हमें निकलना भी था आज के टाइम, क्योंकि आपको पता है कि गांव में ना काम चल रहा है और इनके बिना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेंडिंग में है, अब ये जाके करेंगे। इस वजह से हमें बस ये था कि हम जल्दी जल्दी सारा सामान रख के और निकल जाए, और मौसा के घर इसलिए जा रहे हैं, मौसी के घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ कुछ काम है। और मौसी को चोट भी लगी थी कुछ टाइम पहले, तो हमने सोचा कि पता भी ले लेंगे और फिर उधर से हम निकल जाएंगे हरियाणा के लिए। गाइस बीच रास्ते में हमने ली चाय और मैंने लिया थोड़ा सा गज्जर का हलवा, मेरा जी कर रहा था, अरे यहाँ बैठे हैं, अपनी कॉफी मंगाई है इन्होंने, तो अब मैं क्या करूँ, खाऊंगी इतना और चाय पीऊंगी, सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा तेज, अरे इतना मैं सफ़र में हूँ ना, इतना मैं चाय पी लूँ फिर मेरी चाय बंद। इन्होंने मंगाई है अपनी कॉफ़ी, मौसा के यहाँ का कुछ नहीं दिखा भाई, हम जल्दी जल्दी में निकल गए और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। भी मैं कुछ ऐसी लगती हूँ, और जब मैं अपने घर पहुँचूंगी तो मेरे से गल पे 12 बज जाएंगे, क्योंकि मैं तंग हो भी जाऊँगी यार सब करते बहुत ज़्यादा। गाइस देखो फोक कितनी ज़्यादा हो रही, कुछ भी नहीं दिख रहा आपकी गाने, ओ कोई ना लिखड़ो अपने घर, अपने घर रहे हो यार, बड़ी दिक्कत है गाड़ी चलाने में, हमने 15 मिनट में जहाँ पहुँचना था हमें आधा घंटा हो गया, पहुँचते पहुँच ही नहीं रहे। गाइस और इनको देखो कितनी नींद ले रहा है गोद में मेरी, सोल में, ऐसा हो जाए गाड़ी में बैठते जिन्होंने इसने पी रखी हो इसने चक्कर आवे है यू नहीं हो रहे है, तो मैं लेके लेट जाऊँ, देख रहे हो आग भी निकल रही, औरी औरी औरियो, अच्छा ठीक है सो जा, तो ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। औरियो उठ गया है, देखो आग खुल गई इसकी, ये भी इसने मेरे ऊपर सूसू भी कर लिया, देख लो फाइनली आ गए हैं हम घर। यू है मेरा भाई, बहुत मोटा हो रहा, निकाल लो गाड़ी लगवा रहा अभी। रोक्षी रोक्षी सच में यार, नहीं वो डर रहा है, वो डर रहा है, रहने दे, चल सच्ची कहानी सुन ले, ए मारू मुंह पे तेरे, मारिए इसे पका दो, ले 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 ले। तो गाइस मैं जब नाली सिर धो लिया, क्योंकि ओरियो ने मेरे ऊपर ना सूसू कर दी थी, यहाँ मैं तो पहले खाना खान बैठ गई, मम्मी गरम गरम रोटी दे रही, मैं भी खा लूँ जा, और यो बैठा मेरा भाई जो बहुत मोटा हो रहा, कई बार बता दी भी बता रही बहुत मोटा हो रहा है, और ये खा लो तब जो मैं पहले खाना खा लूँ। मैं सवेरे तो नहाई नहीं थी ना, जब मेरा मन कर गया आप तो ही, मैं नहा लूँ पहले गरम गरम पानी में, नहाए तो ये भी नहीं है पर खाना खा लूँ की करें यार इतना काम था सफर था। तो प्रशांत जी आप कुछ कहना चाहोगे, वीडियो फटी फटी सी आ रही है यार, प्रशांत ने मुझे इसकी सेटिंग करके दी कि इन्हू बनाया कर, तो देखूंगे जा। तो गाइस ये लगा दिया मम्मी ने खाना, और ये दी चटनी, मम्मी चटनी तो ज्यादा बना रखी है, मुझे दे दियो पैक करके। तो गाइस जब मैं प्रशांत का मुंह मीठा करवा रही हूँ, क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हमने लिया है प्लॉट और अब जब हमारे चल रहा है काम, इसलिए मैं इनके लिए मिठाई लेके आई हूँ यहाँ। ले खा, अरे मीनू कह रहा था मैं कह कौन सी मिठाई लाऊ तेरे लिए, उन्होंने कहा मैं तो डाइट पे रहने दे, अब क्या हो गया तेरा, क्या हो रहा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है तीसरा दिन, उठ गई मैं, मम्मी काम कर रही है, रोक्षी यहाँ बैठी है, रोक्षी गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग कुछ इलाका बोल रही है गाइस, गुड मॉर्निंग। और उठ गई जब मैं, मेरा पार्क है ना फेवरेट, सामने बुलाऊं मैं चीजों को देखती हूँ जावाएगे वो मंगाओ बटर दे, टाइम हुआ है 7:15, बहुत पहले उठ गई थी मैं, पहले पानी पिया, वीडियो अपलोड करी, एक
बांधनी पड़े बड़ी परेशान कर दे बहुत सहता हूँ रो रही है पिंजरे में क्योंकि ये और इसने पूरी दीवार फाड़ रखी वहां तक गेट के पीछे तक सिदर से बुला रही हूँ तू भाग नहीं रहे हैं आ क्यों नहीं रहे गुड मॉर्निंग तो उठा चलो पार्क में चलते हैं घूमने चले चलने हैं ना आधे के पार्क में लेट हो जाएंगे थोड़ी देर चल रहे हैं वो रोक्सी को घुमा के ला रहे हैं तो गाइस ना जा रहे हम पार्क में क्योंकि हमने लेट हो जाएगा 7:30 तो हो रहे हैं नहाएंगे नाश्ता करेंगे मैंने थोड़ा सा सामान भी देखना है अपना कपड़े कपड़े तो ना जा रहे अब बैठे हम दोनों यहाँ मम्मी बड़ा के ला रही है चाय चाय पियेंगे और शायद ही मेरी लास्ट चाय हो सकती है क्योंकि जब बाहर रहे ना तो फिर सर से मैं तरफ जाओ तो चाय बना दे टोनिक सल गए मुन्ने भी और वैसे अब मेरे 4-5 किलो जो वेट बढ़ा है ना वो मैंने कम करना है मैं वेट मशीन लाई हूँ तो मैं ना वीक टू वीक चेक करूँगी कि मैं कितना वेट कम कर सकूँ एक हफ्ते में वैसे तो वहाँ पर बिजी शेड्यूल सा रहेगा पर मैं ना थोड़ा टाइम निकालूँगी और न्यू ईयर भी आ रहा है तो खुद से ही कुछ प्रोमिस करूँगी कि मैं यू ज़रूर कर सकूँ तो शायद वो ही होगा मेरी वेट को लेकर क्योंकि यार मैं मोटी होगी देख लो गुल्लड़ सी लग रही हूँ मैं कत्ती ये वो लग रहा है मैंने गुल्लड़ हाँ जी तो गाइज अभी पी रहे हैं हम चाय मम्मी भी आ गई अपनी लेके नहीं मम्मी ना 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 नहीं बस माने पीती और लो प्रशांत कद होगी तेरी मॉर्निंग हो जाए खड़ा गाइज इसकी मॉर्निंग ही नहीं हो रही तो गाइज ये है दिल्ली का आज का कुछ मौसम ठीक ठाक है यार हम सोच रहे पता नहीं कैसा सा हो रहा होगा सो गाइज अभी बना रही है मम्मी पोहा नाश्ता हमारे लिए मैं नहा जा रही हूँ बस तो गाइज मैं नहा ली रेडी हो गई और मैंने आज यू कंफर्टेबल सा लोअर टी शर्ट पहन लिया ताकि वॉर्म वाली टी शर्ट है ताकि मैंने सफर में दिक्कत ना हो सूट में थोड़ी सी परेशान सी हो जाऊँ मैं ये नाश्ता कर रही हूँ यहाँ से मैं भी नाश्ता कर लूँ फिर हमने चलना है क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा साफ हो गया है धुंध कम है तो आराम से पहुँच जाना है अब मेरी टिक्का देखो कहाँ तक फैल गया सो गाइस मेरा भाई नाराज की वेट में बैठे हम नाश्ता करके फिर हमने निकलना है उसका नाना मतलब एक घंटा लगे उसे पूरा नहाने में मेरी मम्मी फिर भी बोलू जब पता भी हमें ब्लॉग में कैसे है मेरे को दो तीन दिन तक घने क्यूट से लग रहे मैंने गाइस देखो ये कैसे बैठी ये कह रही मेरे नेल पेंट लगा दो आगे हाथ कर रही है अरे हमारा भाई एक घंटे तक नाराज भाई साहब इसका नाना माँ भारत है कसम से मैं किसी टाइम लिख रही मम्मी एक घंटा नहीं हो गया हमने नाश्ता भी कर लिया एक घंटा हो गया तन्ने सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और यो है मेरे पास मम्मी ले रही कुछ सामान नीचे चला गया सो गाइज अभी आई थी मैं नीचे यहाँ ना लाइट चली गई अभी बेबी हुआ है उसको देखने के लिए जल्दी जल्दी से आई थी अभी जा रही हूँ फिर आऊंगी दोबारा से देखने लाइट है, नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा हल्के से दिख ये नहीं आएगी आजा बेटा आजा चलो गाइज हमें तो बहुत दूर जाना है बाय बाय लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नहीं बस ना लेली गाली कर लिख रही है पहुंच का फोन कर ये बीच-बीच में करू जाऊंगी मैं तो हां ठीक है बैग में रखा है ना रिकॉर्ड हां रखा है चलो मम्मी मेरा चार्जर कहां है इसमें तेरे थैले में ठीक देख भी ले एक बार चेक कर ले हां धरा 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 ठीक है चलो ठीक है गुड बाय तो गाइज अभी पहुंच गए हम आधे रास्ते और इब जम ने करवा दिया गाड़ी को जलपान ताकि ठीक ठाक चली जाए इसका भी खाना जरूरी है मैंने भी चाहिए थोड़ा सा जलपान मतलब चाय चुए प्या दोगे पूछनी पड़े बेरोजगार आदमी है इनके भरोसे हैं तो गाइस यहाँ से हमने अमरूद लिए हैं लाल लाल से मीठे दिख रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्ट करे पहले हमने बड़े को सुखते हो रहे नमक लगवा लिया एक पे बाकी मम्मी के लिए लेकर रख लिए मम्मी भी खा लेंगे और भैया नवीन में भी खा लेंगे
ये ना वैसे तो कुछ लेने के लिए रुकते नहीं है और अमरूद ना छोड़ते नहीं है, है ना? सो गाइस अभी हम पहुंच गए अपने गांव में, मतलब थोड़ी दूर रह गया है, पहुंचने वाले हैं। और मैं ना एक घंटे से इनके साथ बात नहीं कर रही क्योंकि ये ना मेरे को पहले तो की लोकेशन गलत है, एकदम करेक्ट थी, शॉर्टकट से लेके आई हूँ, तब भी ऐसे बोल रहे थे। और फिर ऐसे बोला कि यहाँ रुकता हूँ, यहाँ चाय पियेंगे, यहाँ चाय पियेंगे, यहाँ कुछ खाएंगे। मैंने बोला मेरे को मैगी खिला दो, बहुत मन हो रहा है। पापा का फोन आ गया गाइस, एक सेकेंड बात कर लेते हैं पहले। तो फिर ना इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, मैंने भूख लग रही है तो मैंने जो मम्मी से फोन करा तो मम्मी बोली कोई नहीं, मैंने ना आटा लगा रखा, दाल बना रखी, मतलब फिर तो मेरी जिंदगी दाल रोटी में ही चली गई है। मैंने सोचा आज आखिरी है तो खा लूं कुछ बाहर का, फिर तो वही बहुत टाइम तक यहीं रहना है तो फिर मैं कुछ और खा नहीं पाऊंगी। पर इस आदमी ने ना मेरे को कुछ भी नहीं खिलाया, कुछ भी, इतना गुस्सा आ रहा ना मेरे को, बोलूंगी नहीं मैं बिल्कुल भी, जी दुखी कर दिया, मेरा बुक्की मार दी, कदी सड़ा दी मेरी आत भी इन्होंने। बताओ पहुंच गए बस हम अपने घर थोड़ी देर में, देख ले भोले से लगे सकल तेन लगे, जिन पता नहीं आदमी कुछ कहता भी नहीं होगा, सबनों के एक है कि ये तो बड़े सीधे हैं, सीधे नहीं है ये, सीधे नहीं है, इस भूल में मत रहो, सीधे नहीं है ये। कभी सफर नहीं करूंगी इनके साथ, बच्चा खुद ही चल जाया करूंगी बस में बैठ के, इससे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी बस में, तो चने चुने बेचने वाले हैं, चने भी खा लूं इतने तो मैं, एक अमरूद दुआ के सोचा बस पेट भर गया होगा इनते ही। लेट हो रहे हैं जी, जावे थे तब तो लेट हो रहे हैं, वहां पहुंचना है, पहुंचना है टाइम तय, इब तो कोई लेट सवेर की बात ही नहीं थी, करी जाना है हमने। और देख लो इब लो टाइम भी इतना नहीं हो, दोपहरा हो रहा है फिर भी रुकी नहीं। पढ़ूंगी मैं।